बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा समराइज कर दें अगर कॉजेज ला को, तो कॉजेज ला में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने यू नीड टू आइडेंटिफाई द सिमेट्री कि आपने कौन सी सिमेट्री लेनी है, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग एक गॉर्जियन सरफेस लेनी है, ऐसी गॉर्जियन सरफेस कि जिसमें आपके पास कोई एडवांटेज आ सके, जैसे कि आप उसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट ले सकें और उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकें। आपने वो गॉर्जियन सरफेस को स्केच करना है और उसमें वो जो सिमेट्री आर्गुमेंट है, जैसे आपने पॉइंट चार्ज के अराउंड एक स्फेरिकल गॉर्जियन सरफेस अज्यूम की, उस स्फेरिकल गॉर्जियन सरफेस में आपने देखा कि ऑन द होल स्फेरिकल गॉर्जियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, फिर आपने उस सरफेस को स्केच किया, आपने सिमेट्री आर्गुमेंट लेकर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन जो है वो पैरेलल आ रही है, फिर आपने उस फ्लक्स को इंड्यूस की सॉल्व किया बाय इंटीग्रेटिंग द एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गई थी और फिर आपने एरिया के लिए उसे इंटीग्रेट किया और देन आपने जो चार्ज एनक्लोज था उसको फाइंड किया, क्यू की वैल्यू फाइंड की या फ्लक्स फाइंड किया, और या फिर आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, या फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, या उसमें से चार्ज फाइंड कर सकते हैं, या उसमें से फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और समरी क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, शोर बहुत आ रहा है तो मेरे इर्द गिर्द तो सारी खामोशी है, मेरे अलावा तो मेरे ऑफिस में कोई भी नहीं बोल रहा, आपको शोर किस चीज़ का आ रहा है? आई डोंट नो किस चीज़ का शोर आ रहा है। इधर मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि हमने मैंने पिछले स्लाइड में जस्ट वो स्टेप रिपीट किए थे जो कि हम गॉजेज ला के लिए यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ई डॉट डी ए, इंटीग्रल ई डॉट डी ए के इक्वल था, और अगर हम इसे गॉजेज ला की इंटीग्रल फॉर्म में लिखें, जो आपने ये वाली इक्वेशन हम लिखते हैं ना, इसे हम क्या कह सकते हैं, गॉजेज ला की इंटीग्रल फॉर्म। तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट, सो हम गॉजेज ला को वहां पर यूज करते हैं जहां पर आपके पास हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री हो, और गॉजेज ला को हम मुख्तलिफ सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, ये एक जनरल ला है अदर देन कूलम्स ला, इसे हम मूविंग चार्जेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ये कि जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेसिक चार इक्वेशंस हैं उनमें ये वाली जो गॉजेज ला की इक्वेशन है इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये भी मैक्सवेल्स की उन चार बेसिक इक्वेशन में एक इक्वेशन है, दिस इज वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशंस। सिर्फ इसको मैंने गॉजेज ला को समरी लिखी है। अब अगर हम गॉजेज ला की एक एप्लीकेशन थी जो आपने पहले मिस कर दी थी मैं आपको बता देती हूँ, वो ये थी कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो, जब मैंने डिस्क ऑफ चार्ज आपको पढ़ाया था वहाँ पर मैंने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज वाला आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाया था जो आपने इंटर में भी पढ़ा हुआ है, कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो तो उसके लिए आप फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। आप एक सिलिंड्रिकल गॉर्जियन सर्फेस लेते हैं विच पासिस थ्रू द विच कट दिस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब ये जो गॉर्जियन सर्फेस है, इस गॉर्जियन सरफेस में आपके पास ये जो शीट है ये आपके पास इस पे चार्ज कितना है क्यू है। अब इस गॉर्जियन सरफेस की तीन सरफेसेस बन जाती है, एक ये कर्व सरफेस बनती है, एक ये कैप वाली सरफेस बनती है, और एक ये कैप वाली सरफेस बनती है, क्योंकि आपके पास ये जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है इस पे जो चार्ज है ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, सो इसके हर तरफ आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी। ये रेड से क्या शो किया हुआ है, रेड वेक्टर शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। सो अगर आप इस कर्व वाले एरिया में देखें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट मींस के इस जो कर्व वाली सरफेस है उसके ऊपर फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, और ये जो क्लोज सरफेसेस हैं जो इनकी कैप सरफेसेस हैं, इन कैप सरफेसेस में आपके पास ये जो ब्लू वेक्टर है ये एरिया को शो कर रहा है, रेड इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, और ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, सो इन दोनों साइड्स पे आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो होगा। और अगर हम कहें कि ये जो आपके पास ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका ये ए के इक्वल है, अगर आपके पास ये जो कैप्स वाली सर्फेसेज हैं इनमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए के इक्वल है, तो आपके पास फिर फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, ई इंटू ए के,
और जो कर्व एरिया उसमें आपके पास फ्लक्स जीरो आएगा क्योंकि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। इधर भी फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, ए इंटू ए। ये डी ए तो आपने किसी एक एरिया एलिमेंट के लिए वेक्टर को शो किया ना, लेकिन वैसे अगर आप पूरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें वो क्या है, ए है, जिसको आप बाद में सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व करने के लिए सिर्फ एरिया की शो कर दे तो क्या होगा, कैपिटल ए एरिया। सो आपके पास अगर आप फ्लक्स देखो तो इधर आपके पास ये जो आउटवर्ड वाली कैप है इसमें जो फ्लक्स होगा ये ई इंटू ए होगा, और इधर भी फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू ए। सो अगर आप हम गॉसेज लॉ की वैल्यू लिखें तो क्या होता है, इंटीग्रल ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू एवर एप्सिलॉन नॉट, अगर आपके पास इन पे ऊपर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी स्फीयर की वो किसकी इक्वल होगी, सिग्मा विल बी इक्वल टू क्यू ओवर ए। सो यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू लिखूँ तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू ए। सो इस क्यू की जगह आप क्या पुट कर देंगे, सिग्मा इंटू ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि आपके पास इस सिलेंडर की दो कैप्स पे, दोनों कैप्स पे फ्लक्स आ रहा है, दोनों आउटवर्ड साइड पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप देखो तो आपके पास क्या होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करके देखें तो वो आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी ना, इस तरह से इस सरफेस से यूं बाहर को निकल रही होंगी। सो ये जो इस सरफेस से यूं बाहर को निकल रही होंगी ये आपके पास इन कैप सरफेसेस के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो आपके पास ये जो आउटवर्ड फ्लक्स आएगा ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा टू ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ए और ए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। जब आपने डिस्क ऑफ चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड लिखी थी वहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा काम दिया था कि अगर हमारे पास रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो जो डिस्क है उसे हम एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं, और वहाँ पर भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये वो जो आपने इंटर में भी पढ़ा हुआ है ये किसके इक्वल आएगा, ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। इसकी एक्सप्लेनेशन आप बुक से पढ़ सकते हैं, इसका थोड़ा सी थ्योरी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये। और मैम जी जी मैम, इसके अंदर ये जो एरिया है ये वेक्टर एरिया ना? हाँ जी, वेक्टर एरिया जिसकी ये डायरेक्शन को हमने शो किया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। ठीक है मैम। और मैम जो हमने गॉसियन सरफेस लेट की है जी, इसकी आपने कहा था तीन सरफेसेस हैं, तीसरी कौन सी है? एक ये कर्व वाली साइड है ना, ये वाली ये जो साइड है जो यानी कि एक तो दोनों कैप्स है ना, और एक वो जो सर्कुलर वाला एरिया होता है जो बाहर से उसकी लेयर होती है, कर्व वाली लेयर होती है वो वाली। ओके ओके, ये देखो ना उस पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसकी जी मैम एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आ जाएंगे। और ओके मैम, थैंक यू। अगर हम स्फेरिकल सिमेट्री या स्फेरिकल शेल की बात करें तो हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि आपके पास एक स्फेरिकल शेल, अ चार्ज स्फेरिकल शेल हैज जीरो फील्ड इनसाइड द शेल और आउटसाइड उसके इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। लेकिन अगर उसे हम गॉसियन लॉ की सूरत में लिखें तो ये जो डॉटेड से शो किया है ये आपके पास एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, ये जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है ये क्या है, एक थिन स्फेरिकल शेल है। इस थिन स्फेरिकल शेल के लिए अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो आप दो अजम्पशंस लेंगे। एक अजम्पशन आप ये लेंगे, ये आर रेडियस की एक थिन स्फेरिकल शेल है, कैपिटल आर रेडियस का एक थिन स्फेरिकल शेल है जिसकी एक गॉसियन सरफेस आपने एस वन ड्रॉ की है जो कि उस शेल के इनसाइड है, और एक गॉसियन सरफेस आपने एस टू ड्रॉ की है जो कि गॉसियन सरफेस से आउटसाइड है। अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल विद टोटल चार्ज क्यू इन क्रॉस सेक्शन टू गॉसियन सरफेस एस वन एंड एस टू आर शोन। ये क्रॉस सेक्शन में शो करने का मतलब ये है कि आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल शेल है, हमने इनका क्रॉस सेक्शन शो किया क्योंकि हम इसको टू डायमेंशन में शो कर पाएंगे ना, थ्री में नहीं शो कर पाएंगे, तो हमने इनका जो सेंटर व्यू है क्रॉस सेक्शनल व्यू शो किया है। सरफेस एस टू एनक्लोजेज द शेल, अब ये जो सरफेस एस टू है ये वो है जिसके अंदर शेल आ रहा है, और ये जो सरफेस एस वन है ये हॉलो है, सरफेस एस वन के अंदर आपके पास
कुछ नहीं आ रहा, ये एम्प्टी इंटीरियर ऑफ द, देखो एक प्लास्टिक बॉल है जिसका इंटीरियर हॉलो है, उसके अंदर अगर आपने गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली है तो वो गॉसियन सरफेस भी क्या होगी, हॉलो होगी। उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, सो एज अ रिजल्ट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। सो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी इन साइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। और आउटसाइड द स्फेरिकल शेल ये जो एस टू है ये वो गॉसियन सरफेस है विच एनक्लोजेस दिस स्फेरिकल शेल। जो गॉसियन सरफेस एस टू है उसके अंदर आपके पास वो सरफेस है जिसके ऊपर क्या है, चार्ज है। सो उसके लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, चाहे हम उस दिन जैसे हमने कूलम्स ला के लिए किया था वो सारा, ये जो मैंने रेड से शो की हुई है, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई इज इक्वल टू क्यू, और इस तरह सॉल्व करके देखो या आप डायरेक्टली भी लिखो तो ई किसके इक्वल आ जाएगा। ये सारी डेरिवेशन वो है जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी ना कूलम्स ला ड्राइव करने के लिए। सो अगर आप इसे कूलम्स ला से लिख दो या गॉसियन ला से कूलम्स ला ड्राइव करो तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। यानी ये जो गॉसियन सरफेस है ये आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल हो, अगर जो गॉसियन सरफेस है वो आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल हो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, क्योंकि वो जो गॉसियन सरफेस है उसके इनसाइड एक चार्ज है। लेकिन अगर आपके पास ये जो स्फेरिकल सरफेस है आपने एस वन गॉसियन सरफेस ली है तो ये एस वन गॉसियन सरफेस एक एम्प्टी सरफेस है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो। ये दोनों चीजें एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और स्फेरिकल, हमें रिपीट कर दें। देखो ये आपके पास ये जो ब्लैक लाइन से डॉट से शो किया हुआ है ये वो स्फेरिकल शेल है। इस स्फेरिकल शेल के इनसाइड आपने एक सरफेस एस वन अज्यूम की है और एक सरफेस आपने आउटसाइड अज्यूम की है एस टू। जो एस टू का रेडियस है वो स्फेरिकल शेल से ग्रेटर है, ये वाला, ये क्या है, एस टू का रेडियस है आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और ये जो एस वन है ये वो सरफेस है जो कि इस गॉसियन सरफेस के, इस स्फेरिकल सरफेस के इनसाइड है। ये स्फेरिकल शेल है, ये ब्लैक वाला जिसे डॉट से शो किया हुआ है। इस स्फेरिकल शेल के इनसाइड हॉलो, यानी एक प्लास्टिक बॉल है वो अंदर से खाली है, अगर आप उस प्लास्टिक बॉल के अंदर कोई गॉसियन सरफेस ज़ूम करते हैं तो वो गॉसियन सरफेस भी तो खाली होगी ना, तो उस गॉसियन एम्प्टी गॉसियन सरफेस में, हॉलो गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो आएगी। और जो आउटसाइड आपने स्फेरिकल शेल ज़ूम किया एस टू, दिस एस टू एनक्लोजेज द होल स्फेरिकल शेल, इस एस टू के अंदर ये स्फेरिकल शेल आता है। तो जब आप इस एस टू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो वो क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये डेरिवेशन इधर की भी हुई है, ये डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है जो आपने पिछली दफा के लेक्चर में एक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करके वहां पे की थी और आपने कहा था कि ये कूलम्स लॉ ही आ जाता है, तो वो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। सो गॉसियन लॉ शोज दैट अ चार्ज स्फेरिकल शेल हैज जीरो फील्ड इन साइड द शेल। अगर आपके पास एक चार्ज स्फेरिकल शेल है तो उसके इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। और अगर आप उसके आउटसाइड एक स्फेरिकल शेल देखते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। आर जो है वो आपके पास उस स्फेरिकल शेल के सेंटर से डिस्टेंस है। आज के लेक्चर में मैंने इतना ही पढ़ाना था, आप ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज बुक से रीडिंग कर लेना। जो आप कह रहे हैं न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम्स वो मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ, जो मैंने गॉसियन लॉ की आपको दी थी मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। एक मिनट वेट करें, मैं थोड़ा सा ये इसको ओपन कर लूँ किधर। आपको ये होमवर्क वाली शीट शो होगी, बच्चों होमवर्क पर। यस मैम, यस मैम, यस मैम। इसका जो पहला क्वेश्चन है, अ क्यूब विद 1.5 मीटर एजेस इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। 1.5 मीटर एज का मतलब ये है कि आपके पास जो क्यूब है उसकी हर साइड 1.5 मीटर है, ठीक है। इट इज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा है जिसको हमने शो नहीं किया, लेकिन लेट्स सपोज यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है जिनकी वैल्यू कितनी है, 4i हैट + 5k हैट, यानी कि वो आई और के, यानी कि वो एक्स और जेड प्लेन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास किसी एक्स जेड डायरेक्शन में है, 4i हैट + 5k हैट। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस,
फ्रंट फेस एंड ऑल्सो थ्रू द होल क्यू। अब लेफ्ट फेस कौन सा, ये जिसको मैंने ग्रे किया हुआ अंडरलाइन, ये वाला फेस। अभी जिस फेस को आपने ग्रे किया हुआ है ये क्या इसका लेफ्ट फेस है। अगर आप इस फेस पे देखो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया तो आपके पास हर सूरत में सेम आएगा। अगर मैं एरिया की वैल्यू लिखूं तो एरिया आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1.5 है ना, 1.5 इंटू, देखो आपके पास क्यूब किसके इक्वल होता है, क्यूब। क्यूब का मीनिंग ऐसे ही होता है ना कि 6 साइड होती है और हर साइड क्या होती है, स्केयर होती है, ऐसे ही। तो हर साइड अगर स्केयर होती है तो आपके पास अगर 1.5 उसकी विड्थ है तो 1.5 क्या होगी उसकी लेंथ होगी, 1.5 उसकी हाइट होगी। सो अगर आपने किसी एक फेस का यानी लेफ्ट फेस का एरिया देखना है तो वो क्या होगा, 1.5 इंटू 1.5। और एरिया का मैग्नीट्यूड जो है वो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, ऐसे ही। एरिया का मैग्नीट्यूड सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, हर साइड पे एरिया की डायरेक्शन फर्क होगी। अब जो लेफ्ट फेस है, मैं आपको लेफ्ट फेस के लिए एरिया की डायरेक्शन निकाल के बता देती हूँ, बाकियों के लिए आपने खुद करनी है। अब लेफ्ट फेस पे क्या होगा, लेफ्ट फेस के परपेंडिकुलर आपके पास एरिया की डायरेक्शन आएगी। सो अगर ये लेफ्ट फेस है तो लेफ्ट फेस के परपेंडिकुलर आपके पास, अगर मैं ड्रॉ करूँ ये, अगर मैं एरिया की डायरेक्शन ड्रॉ करती हूँ, ये एरिया कौन सा है, ये देखेंगे मैंने एरिया वेक्टर शो कर दिया आपको लेफ्ट साइड का। ये क्या है, ये एरिया वेक्टर, इसकी आपके घर में क्या डायरेक्शन आ रही है, ये देखो एक प्लेन थी, ये लेफ्ट साइड पे क्या है, ये लेफ्ट साइड है जिसके ऊपर जब आपने ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो वो क्या है, इस इसको मैंने वाई क्यों लिख दिया, सॉरी ए वाई नहीं, ये लेफ्ट आएगा ना, ये लेफ्ट आएगा, ये किस साइड का एरिया है, ये लेफ्ट साइड का एरिया है। और इसकी डायरेक्शन आपके ख्याल में क्या होगी, ये 1.5 इंटू 1.5 किस का था, 1.5 और 1.5 किसके इक्वल होता है, 2.25 होता क्या होता है, यस मैम 2.25 आ रहा है। 2.25 ये देखिए
मैंने जो लेफ्ट फेस है उसके लिए एरिया की डायरेक्शन लिख दी है, वो माइनस वाई की डायरेक्शन में नहीं होगा। देखो ये अगर वाई है तो ये वाला उसके ऑपोजिट क्या होगा, माइनस वाई होगा ना। तो इसका मतलब है जो लेफ्ट फेस पे एरिया है उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, 2.25, और उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू वाई है। तो इसका मतलब है वाई को अगर हम जे हेड से शो करते हैं तो नेगेटिव वाई को हम किससे शो करेंगे, माइनस जे हेड से। सो अगर आपने यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स आपके पास आ जाएगा प्लस ई डॉट ए के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ई और ए की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ई कितना है, 4i हैट प्लस 5k हैट, और जो ए कितना है, ए भी कौन से वाला है, ये लेफ्ट फेस वाला। तो ये जो लेफ्ट फेस वाला ए आएगा इसकी अगर आप वैल्यू पुट करो तो वो क्या होगी, -2.25j है। तो अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट देखोगे तो फ्लक्स आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। आपके पास फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। इसी तरह से अगर आप फ्रंट फेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालोगे ना, तो वो आपके पास, ये जो फ्रंट फेस है इसके लिए एरिया वेक्टर आपके पास आउटवर्ड आएगा। इसके लिए जो एरिया वेक्टर है वो क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। तो आउटवर्ड कौन सा एक्सिस है, ये इस तरह से आउटवर्ड, इस तरह से इस समय शो किया था यू एक्स की x डायरेक्शन, एक्सिस तो वो एक्स की डायरेक्शन जेड एक्सिस हाँ एक्स एक्सिस आएगा ना, जेड तो ऊपर है, ये एक्स वाई जी मैंने थोड़ा चेंज करके लिखा है। और अगर जैसे ये लोअर वाला फेस है, अगर मैं कहती हूँ मैम माइनस एक्स नहीं आएगी। नहीं प्लस एक्स आएगी फ्रंट फेस के लिए, प्लस एक्स आएगी। जो बैक वाला फेस है जो हम यहाँ पर शो नहीं कर पा रहे उसके लिए माइनस एक्स आएगी, उसके लिए इन टू द पेज चली जाएगी ना। ये देखो वाई एक्सिस हमने क्या बनाया हुआ है, वाई एक्सिस हमने ये बनाया हुआ है ना, यानी आउटवर्ड बनाया हुआ है, परपेंडिकुलर बनाया हुआ है इसके। और ये जो डाउन वो फेस है, लोअर फेस है, लोअर फेस के लिए क्या आएगा, लोअर फेस के लिए ये आ जाएगा माइनस जेड आ जाएगा। अपर फेस जो यहाँ पर मैं शो नहीं हो रहा, अपर फेस के लिए प्लस जेड आ जाएगा। तो उसके लिहाज से एरिया का मैग्नीट्यूड तो सबके लिए क्या होगा, 2.25। हर एक के लिए आपके पास जो इलेक्ट्रिक एरिया है, एरिया के वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। लेफ्ट के लिए करोगे तो माइनस जे आएगा, अगर लेफ्ट के लिए माइनस जे है तो राइट के लिए प्लस जे होगा, अगर फ्रंट के लिए प्लस आई आ रहा है तो बैक के लिए माइनस आई हैट आएगा, अगर लो वाले के लिए माइनस के हैट आ रहा है तो अपवर्ड के लिए प्लस के हैट आएगा। आप सबका फ्लक्स लिखोगे और टोटल के लिए उसे क्या कर दोगे, थ्रू होल क्यूब के लिए क्या करोगे, सारे जो फेसेस हैं उनका फ्लक्स क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जब तो आप सारे फेसेस का फ्लक्स ऐड करोगे तो एंड में आपका जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, हमें ये तो इस क्यूब के इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, नेट मतलब हर फेस में से फ्लक्स आ रहा है, लेकिन जो नेट फ्लक्स है वो क्या आ रहा है, जीरो, बिकॉज द क्यूब एनक्लोजेज नो चार्ज, क्योंकि क्यूब के इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हर फेस में से फ्लक्स आ रहा है। लेकिन जब आप टोटल फ्लक्स देखोगे तो राइट वाला फ्लक्स जो है वो लेफ्ट वाले फ्लक्स को कैंसिल कर देगा, अपवर्ड फ्लक्स नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, फ्रंट वाला बैक वाले को कैंसिल कर देगा, टोटल फ्लक्स आपके पास जीरो आएगा। ये अपने बाकी करके देखने आपका होमवर्क था बच्चों, मैं आपको फिर भी सबके थोड़े थोड़े हिंट दे देती हूँ। अब पॉइंट चार्ज ऑफ दिस माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, ये तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट से हो जाएगा। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, कोई हमें बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक क्यूबिकल सर्फेस है जिसके सेंटर पे इतना चार्ज पड़ा हुआ है, तो फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के। जो थर्ड वाला न्यूमेरिकल है उसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ। थर्ड वाले न्यूमेरिकल में आपके पास एक क्या है, एक स्केयर सरफेस है, उसके सेंटर के बिल्कुल ऊपर क्यू पड़ा हुआ है, और आपने बताना है कि फ्लक्स कितना होगा। अब आप ये सपोज करो कि अगर ये जो स्केयर है ये किसी क्यूब का कोई हिस्सा है, इसके ऊपर अगर आप पूरा क्यूब ड्रॉ कर लो, अगर आप इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर लो, एक क्यूब ड्रॉ कर लो, और क्यूब इसलिए ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमें ये गिवन है कि ये इससे बिल्कुल सेंटर पे d/2 डिस्टेंस के ऊपर है। अगर हमें क्यूब ड्रॉ करेंगे ना तो ये जो चार्ज है ये क्या आ जाएगा, क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा। अगर चार्ज क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा तो वो जो क्यूब है उसमें से जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यूब में से फ्लक्स इक्वल होगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के। अब क्योंकि चार्ज जो है वो क्यूब के सेंटर पे बन रहा है, अगर हम इसके ऊपर एक क्यूब ड्रॉ करते हैं तो,
तो सेंटर पे बन रहा है, इसका मतलब है क्योंकि चार्ज जो है वो क्योंकि सेंटर पे है, तो क्योंकि हर साइड से फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। अगर क्योंकि हर साइड से फ्लक्स सेम होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास क्यूब की छह साइड्स होती हैं। तो ये जो ब्लू वाला आपको एक हिस्सा दिया हुआ है, ये भी अगर क्यूब की एक साइड है और क्यूब का टोटल फ्लक्स क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है, तो फिर एक साइड पे से फ्लक्स कितना होगा, उसको आप छः से क्या कर देंगे, सिक्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा क्यू ओवर सिक्स एप्सिलॉन नॉट। तो इस सारी सरफेस में से जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू ओवर सिक्स एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। और लास्ट वाले टू तो आप कर लेंगे मेरे ख्याल, उसमें तो कोई मसला नहीं है, उसमें तो आपने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का और टॉर्क का फार्मूला ही अप्लाई करना है। कर लोगे बच्चों? जी मैम, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है। अब ये भी आपने यस ट्राई करनी है, मैम, मैंने आपको हिंट दे दिया है, आपने इसको पूरा करना है। ये मैम इंशाल्लाह हो जाएगा।